हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केरल की बहुत ही फेमस डिश, ये दाल वड़ा की रेसिपी। इस डिश को केरल में परिप्पू भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जिससे आप एक बार में ये परफेक्टली बनाकर तैयार कर सके। तो आपका बहुत स्वागत है कुराना किचन में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप चना दाल लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से आप ले लीजिएगा। अब इसके बाद हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखना होगा। तो दाल को पहले अच्छे से हम धो लेंगे, अब उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे भिगोकर रख देंगे। देखिए 2 से 3 घंटे बाद दाल कुछ इस तरह से दिखेगी। दोस्तों सबसे पहली टिप ये है कि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दाल में पानी हुआ तो आपके वड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दाल बचा कर रख ली है जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। बाकी दाल को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों इसे हमें दरदरा पीसना होगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो देखिए मैंने इसे पल्स मोड पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसे दरदरा ही पीसा है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जो हमने 4 चम्मच दाल बचा कर रखी थी उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये वड़े बनकर तैयार होंगे तो इस दाल का क्रिस्पीनेस, जो क्रंचीनेस है, वो अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पर हम प्याज ऐड कर देते हैं, साथ में हरी मिर्च डालेंगे इसे और ज़्यादा तीखा बनाने के लिए। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक भी डाला है। करी लीव्स ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में मैंने 2 कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कुछ सूखे मसाले इसमें डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है, और अगर आप हींग खाने के शौकीन हैं तो आप 1/4 चम्मच हींग इसमें ऐड कर दीजिए। ज़्यादा हींग ऐड मत कर देना दोस्तों, वरना वड़ों में कड़वापन आ सकता है। तो अच्छे से हम इसे कंबाइन कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो आइए आप फटाफट से वड़े बना लेते हैं। तो वड़े बनाने के लिए एक आप लेमन शेप का पेड़ा ले लीजिए, उसे अच्छे से राउंड कर दीजिए। अब ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और इसके साइड्स के जो कॉर्नर है उसे बिल्कुल पतला पतला कर दीजिए। तो ट्रिक ये है दोस्तों, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके वड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो अभी तक ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ इस तरह से आप वड़े बना लीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि वड़े बनाते हुए हम कहते हैं कि पानी ना हो उसमें, पर फिर भी मिक्सचर में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है नमक की वजह से। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो वड़ों का मिक्सचर है उसे थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा जिससे कि बाइंडिंग उसमें अच्छे से हो जाए। तो टिप नंबर 2 ये है दोस्तों कि हमें ऑयल का टेम्परेचर हाई पर रखना होगा। ऑयल को हमें हाई टेम्परेचर पे ही गर्म करना होगा। उसके बाद जब हम कढ़ाई या पैन में वड़ों को डालेंगे तो हमें टेम्परेचर को मीडियम टू लो पर रखना होगा जिससे कि वड़े अच्छे से पक सके। ये देखिए कुछ इस तरह से आप वड़ों को डालकर अच्छे से पकने दीजिएगा क्रिस्पी होने तक। तो देखिए इस स्टेज पर हमारे वड़े पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी इवनली कुक करते हैं, अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं। केरल में तो ये डिश इतनी ज़्यादा फेमस है कि ये हर ओकेशन पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, इवनिंग टी के साथ इन वड़ों को हमेशा ही खाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ये वड़े। आप इन वड़ों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं दूसरा बैच भी इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा, और जब इस पे गोल्डन कलर आ जाए तो बस उस स्टेज पर हम वड़ों को बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों इन वड़ों को आप गर्मा गर्म ही खाइएगा, सीरियसली आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं ये वड़े। मैंने तो इन्हें चाय के साथ सर्व किया था। आप चाहे तो ग्रीन चटनी यानी मिंट चटनी या फिर स्पाइसी वाली जो रेड चटनी होती है आप उनके साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही बहुत सी शानदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मिलेंगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।